करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। नौजवानों के लिए लगभग 4 करोड़ नौजवानों को अगले 5 सालों में रोजगार दिया जा सके, उनको ट्रेनिंग दी जा सके, उनको स्किल बनाया जा सके, इसकी व्यवस्था की गई है। किसानों की फसल को उन्नत फसल बनाने के लिए हॉर्टिकल्चर में 32 फसलें और बाकी 109 नए नए प्रकार की फसलें निकालकर, जो आज की प्रकृति के अनुरूप भी क्लाइमेट चेंज चल रहा है, बरसात कभी गिरती है कभी नहीं गिरती, कहीं सूखा पड़ता है कहीं बाढ़ आती है, ऐसी परिस्थितियों में नई फसलें कौन सी हो सकती हैं, इसके बारे में बजट में विचार किया गया। महिलाओं के लिए कि महिला जो कामगार हैं उन महिला कामगारों के लिए हॉस्टल बनाना, बच्चे जो हैं उनके बच्चों के लिए बाल घर बनाना, और यहां तक कि किराए के घरों के बनाने के बारे में भी सोचा गया है कि जो लोग अपना घर नहीं खरीद सकते उनके लिए किराए के घर उपलब्ध करवाए जाएं, इसके बारे में भी इस बजट में सोचा गया है। इस बजट के मुख्य बिंदु की, जैसे मोदी जी गरीब की कोई जाति नहीं होती, उन्होंने इसलिए इस देश में कि अब जातिवाद के आधार पर राजनीति करने की बजाय 4 वर्गों में बांटा कि युवा, महिला, किसान और गरीब, और ये चारों में सभी जातियां समाहित हो जाती है। अगर इन चारों का विकास हो गया तो इस भारत देश का विकास हो जाएगा, और मोदी जी के नेतृत्व में जो इस देश की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर थी उसको 5वें नंबर पर लाया, और आने वाले 5 सालों में इस देश की अर्थव्यवस्था 3रे नंबर पर आ जाएगी, तो भारत की आर्थिक स्थिति कैसी होगी, भारत के लोगों का विकास कैसा होगा, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। उसके बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए मनसुख भाई हमारे बीच में आए हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, और मैं आप सबके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूँ कि आपने पहले विधानसभा में छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वोटों से जिताया, फिर लोकसभा में भी सबसे ज्यादा वोट।